अब जरा सुनो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे आप, हाँ? आप केमिकल बॉन्डिंग के पहले अपनी जिंदगी की नॉर्मल बॉन्डिंग को ही देख लो। आप आपके पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग है तो पेरेंट्स की एनर्जी लूज हो रही है आप लोगों पे, नहीं हो रही? पैसे नहीं खर्च रहे हो? मैं बोल रहा हूँ उनकी, अपने को पालते वगैरह तो उनकी एनर्जी जा रही ना। उनको थोड़ा भी धक्का लगा फादर मदर को तो आप आपकी इमोशनल एनर्जी जाती, शिवरिंग चालू हो जाती, रोना आ जाता, तो आपकी भी एनर्जी जा रही। तो बॉन्ड का मतलब होता लॉस ऑफ एनर्जी। बॉन्ड का मतलब क्या होता? एनर्जी लूज हुई तो ही बॉन्ड बनता, कंडीशन है यहाँ पर। लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड। वो छोटा 10th क्लास का एक पेज, वो उनको पढ़ने देना। एक ही जो नहीं समझ में आया तो मैं पढ़ाऊंगा, वो थोड़ा लोड उन पे डालना है। तो देखो, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी में कौन सी एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी में कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड का मतलब होगा सिंपल डेफिनेशन, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल बॉन्ड इक्वल्स टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसको कुछ भी नाम आ देते जाओ, सिर्फ अपने को पोटेंशियल एनर्जी याद रखना है। अब ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को अपन केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। सिर्फ ये बोले तो केमिकल बॉन्ड थोड़ी हो जाता, उसके लिए अपने को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा केमिकल बॉन्ड होता क्या, दो एटम्स कैसा बॉन्ड बनाते और बनाते क्यों, जरूरत क्या है बॉन्ड बनाने की। हाँ हाँ, मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को कि साहब बोल रहा हूँ मैं खुली बात, समझे बेटा। सब पेरेंट्स अपने बच्चे की या लड़के की शादी कराने के चक्कर में रहते हैं, क्यों? क्यों? उनको स्टेबल करने के लिए। नहीं करे तो लड़का रात भर घूमते रहेगा रोडों पे, गाड़ियां उछालते हुए एक्सीडेंट मारेगा, समझे। तो क्या करते मालूम है, यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना है मालूम है, स्टेबिलिटी लाने के लिए। स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे? स्टेबिलिटी का मतलब होता है जो भी सिस्टम में एनर्जी कम है वो स्टेबल है, जो सिस्टम में एनर्जी ज्यादा है वो अनस्टेबल है। दीदा एग्जांपल, आपके घर के अंदर स्टैंड के अंदर प्रेशर कुकर रखो साय, 10 साल में कभी फटेगा? नहीं फटेगा। अब वो चूल्हे पे रख दिए, समझे, तो फटने के चांस है। चूल्हा चालू है, कंडीशन अप्लाई है, चूल्हा चालू है तो फटने के चांस है। क्यों? आप एनर्जी देते जा रहे हैं, वो एक लिमिट तक एनर्जी लेगा, वो लिमिट क्रॉस हो गई, वो ऑलरेडी अनस्टेबल कंडीशन में फूट जाता। तो जो भी सिस्टम के अंदर एनर्जी ज्यादा है, जैसे आप लोग गलतियां कब करते वाल में ज्यादा खुश रह जाओ, ज्यादा खुश रहे जब गलतियां होती, समझे, और गम में रहे जब चुपचाप कोने में बैठे रहते, कुछ करते ही नहीं तो गलती कहां से होती, समझ में आया? हाँ, तो एनर्जी जब ज्यादा रहती तो अनस्टेबल रहता इंसान या कोई भी सिस्टम, और एनर्जी कम रहे तो स्टेबल रहता। तो अपन स्टेबिलिटी का डेफिनेशन कैसा देंगे, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, हाई एनर्जी सिस्टम सिस्टम अनस्टेबल, लो एनर्जी सिस्टम स्टेबल। ये तो फिजिक्स का डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है बेटा? अब केमिस्ट्री में स्टेबल किसको बोलेंगे? तो केमिस्ट्री में लिविस बोले ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन जिनको रहता, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहना,
या आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड रखा, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड रहना या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहना, इलेक्ट्रॉन्स रहना, तो उसको क्या बोलते हैं स्टेबल। केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे स्टेबिलिटी का डेफिनेशन, जिसमें या तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड है या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो वो आटम स्टेबल है। सिर्फ कहानियां सुनो पहले, स्टेबल आटम, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड, एग्जाम्पल हीलियम, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, इसको बोलते डुप्लेट का कॉन्फ़िगरेशन। अब और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, शेल में देखो बेटा NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या बोलते हैं ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, या इसको अपन बोलेंगे ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। अब नियॉन का एग्जांपल लेंगे 1s2 2s2 2p6, इसमें दो कंडीशंस है, ऑक्टेट भी है एंड आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड भी है। समझ में आया? सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं आप? ये नहीं मालूम है, मालूम है 8 है ना, हाँ, तो कंप्लीटली फील्ड भी है और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी है। अब इसके नीचे के आप लेंगे आर्गन 3s2 3p6, इसमें सिर्फ ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीटली फील्ड नहीं है। अब आर्गन के बाद में क्रिप्टॉन 4s2 4p6, नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन रेडॉन, ये कहेंगे 5s2 5p6 6s2 6p6, ये पूरे में क्या है बेटा ऑक्टेट, आउटर मोस्ट शेल फील्ड है नहीं, सिर्फ फर्स्ट सेकंड वाले में है, फर्स्ट वाले में फील्ड है लेकिन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। फर्स्ट वाला कौन है? उसमें आउटर मोस्ट शेल फील्ड है लेकिन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो स्टेबल है या नहीं है? स्टेबल है, क्योंकि दो कंडीशन है स्टेबल की, आउटर मोस्ट शेल या तो कंप्लीटली फील्ड रहना या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन रहना। इसको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं। तो क्या कंडीशन है? कंप्लीटली फील्ड है यानी उन स्टेबल है। अब दूसरी कंडीशन है 8 इलेक्ट्रॉन्स रहना, आर्गन नियॉन से चालू कर रहे हैं, इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड है ना, तो दोनों कंडीशन है वहां पर, लेकिन इसमें सिर्फ ऑक्टेट कंडीशन है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड नहीं है। अब क्या होगा मालूम है? जिनके पास ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जिनके पास ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है वो क्या करेंगे? ये कॉन्फ़िगरेशन लाने की कोशिश करेंगे। वो कैसा लाएंगे उन लोगों? कोई भी तरीका हो से, हमारे को नहीं मालूम अभी, कोई भी तरीके से। उन इलेक्ट्रॉन कम है तो ज्यादा करेंगे, ज्यादा है तो वो कैसा भी कर लो उन लोगों, समझे? तो केमिकल बॉन्ड होती क्यों? ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए आटम केमिकल बॉन्डिंग में जाते, खत्म। केमिकल बॉन्डिंग होने का रीजन क्या है? सो रीजन फॉर केमिकल बॉन्डिंग,
रीजन फॉर केमिकल बॉन्डिंग टू गेट ऑक्टेट, डुप्लेट भी होता है, डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट या डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए इन लोग क्या करते मालूम है, केमिकल बॉन्ड में जाते, केमिकल बॉन्डिंग में जाते। अब देखो बेटा, बॉन्ड्स पहले आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर नॉन पोलार, पोलार कोवलेंट बॉन्ड, पोलार कोवलेंट बॉन्ड। अब जरा देखेंगे आप लोग आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड, पहली बात तो आयनिक बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको शेप ही नहीं रहता, समझ में आ गई बात, क्यों शेप नहीं रहता अभी बोलेंगे आप, क्योंकि मालूम है वो मॉलिक्यूल अकेला रहता है नहीं, वो मॉलिक्यूल पूरे ग्रुप में रहता, और वो ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टल बोलते हैं, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता उसका, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं रहता। कोवलेंट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर रहते हैं क्योंकि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता, क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रहता, समझ में आ गया, करेक्ट है। एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, बच्चा खुद डिसाइड करके मैरिज कर लिया, समझे, अब उनका वो लड़का है वो लड़की कौन है अब नहीं मालूम, उसको घर वाले निकाल दिए लात मार के, समझे, तो अब कोई शेप नहीं है उसकी लाइफ का, हो गया। और अब आपके पेरेंट्स डिसाइड कर लिए, आप दुखी रहो सुखी रहो आपकी किस्मत पे डाल के संभाल लेते उन लोग, शेप दे देते ना आपकी लाइफ को। अगर मान लो ये साहब है, इनकी बीवी आई घर में लड़ाई कर रही, तोड़ फोड़ कर रही, तो इनके घर वाले बोलेंगे बोल बेटा क्या क्या होना, तेरे को रोज सवेरे शाम तक को खिला देंगे पहना देंगे, समझे, गड़बड़ाने को कर हाथा पैरा जोड़ के संभाल लेते हैं उन लगा, तो इनकी लाइफ को शेप दे देते हैं, तो वो कोवलेंट है क्योंकि दोनों डिसाइड करो से कौन मालूम है, फैमिलीज यहाँ पर कौन डिसाइड कर लिए आपस में ही, तो उनकी लाइफ गई, हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोल तो क्या होता मालूम है, हाँ नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल, सिंपल समझे बेटा, कि यार मैरिज होने के बाद भी और कहीं रिलेशन है, सिंपल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल बनने के बाद भी वो स्टेबल नहीं हुआ, वो स्टेबल होने के लिए क्या कर रहा मालूम है, और किसी और से बॉन्ड बना ले रहा, समझ में आ गया, बस इतना ही। अब रही बात आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में एक पुअर रहता है एक रिच रहता, यानी एक के पास इलेक्ट्रॉन कम रहता है एक के पास इलेक्ट्रॉन, और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों गरीब रहते हैं, हाँ दोनों गरीब, दोनों के अंदर कम इलेक्ट्रॉन है तो दोनों शेयर कर लेते हैं, दोनों क्या कर लेते हैं शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है मालूम है, एक एक बहुत ज्यादा अमीर एक गरीब मॉलिक्यूल के बीच में है, या ये किसके बीच में है, एटम्स के बीच में, ये किसके बीच में है, ये मॉलिक्यूल के बीच में, हो गया, ये प्रोटॉन पॉजिटिव और दूसरा प्रोटॉन भी, लेकिन उनके बीच में अट्रैक्शन रहता है क्योंकि बोलते उनके बीच में जो गैप रहता ना वो फर्मी लेवल से छोटा रहता, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दो चीजें अगर रिपल करने वाली रिपल करते दोनों को एक डिस्टेंस पे ला लिए, एक फर्मी लेवल से और नजदीक ला लिए तो रिपल्शन किस में बदल जाता, और अगर दो चीजें अट्रैक्ट करती एक दूसरे को तो फर्मी लेवल के नीचे ला लिए तो दोनों के बीच में क्या चालू हो जाता, रिपल्शन। जरा मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ,
आप लोगों को सबसे ज्यादा दुश्मनी जिंदगी में किससे होंगी मालूम है? क्लोज्ड फ्रेंड्स होंगी, जब भी लड़ाई होंगी उनसे सबसे ज्यादा होने वाली है, हो गया? और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन उससे होगा जिसको जानते भी नहीं, समझ में आ गया? करेक्ट है। तो ये क्या फर्मी लेवल है, यानी जो अट्रैक्शन है वो रिपल्शन में बदल जाता फर्मी लेवल पे, और जो रिपल्शन है वो किस में बदल जाएगा? अट्रैक्शन में। कब? फर्मी लेवल पे, समझे? तो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होना चाहिए वो क्या है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और दुनिया में सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स न्यूक्लियस का ही है, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांगेस्ट फोर्स है। अब सेकंड स्ट्रांगेस्ट फोर्स को चले जाएंगे अपन। सेकंड स्ट्रांगेस्ट फोर्स बोलते एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखो, एक नेगेटिव चार्ज यहां रखो, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता, इसको बोलते कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम रहता, यानी सबसे ज्यादा कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उससे कम वाला कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत कम है, बहुत कम। बहुत कम का मतलब मैं बता देता हूं आपको कि इसको यहां ड्रॉप करूं तो अर्थ कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा दिख रहा ना आपको, तो अर्थ खींच ले रहा है इसको। इतना पॉजिटिव चार्ज रखूं स्पेस में तो अर्थ को खींच लेता हूं, समझ में आया? यानी अर्थ अर्थ इतना बड़ा होने के बाद भी इतना सा पॉजिटिव चार्ज उसको खींच सकता, यानी वो पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है बोलो? 10^37 ऑर्डर है उसका, 10^37 ऑर्डर। बोलते अगर आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 न्यूटन लेंगे, हाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अर्थ को खींच लेता, अपने पोजिशन से हटा देता हूं, इतना ताकत रखता हूं। 1 न्यूटन अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो 10^37 न्यूटन किस क्या रहेगा मालूम है? कूलम्बिक फोर्स रहेगा, इतना ज्यादा रहेगा। अगर यानी ये न्यूटन से वो क्या बोलते ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं के बराबर है, यानी अर्थ इतना बड़ा हो के भी इतना छोटा काम ही कर रहा, सिर्फ पेन को ही खींच रहा हो, आपके मून को खींच ले रहा क्या? लेकिन मून के प्लेस पे मून के बाजू में एक पॉजिटिव चार्ज रख दी नियरली 2 कूलम का, 2 कूलम, हाँ 2 कूलम बहुत है। 2 कूलम बोल दो, 1 कूलम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं मालूम है आपको? नियरली 6.6×10^18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वो उतने इलेक्ट्रॉन्स भी अगर चार्ज स्पेस के अंदर रहता वो अर्थ को खींच लेता, यानी कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ? कूलम्बिक फोर्स। तो याद रखो जो बॉन्ड बनता दो आटम के बीच में वो बॉन्ड भी क्या रहता? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से टाइप का रहेगा अब वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख दे रहा हूं? कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स। नेक्स्ट अब लिविस कांसे, लिविस कोसेल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड। इन क्या बोले मालूम है? ऑक्टेट रूल बताया हम लोग। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या होता है? आटम आटम और आटम्स ट्राई टू गेट NH2NP6 कॉन्फिगरेशन। आटम या आटम्स क्या करेंगे मालूम है?
आटम ले लो या बहुत सारे आटम्स, वो क्या करेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन लाने की कोशिश करेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन ऑक्टेट रूल। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेंगे वो बाद में देखेंगे। अब कोसेल्स रिप्रेजेंटेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है ये ऐसा डॉट से बताया हुआ। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट वन इच है, फर्स्ट शेल में टू है और सेकंड शेल में वन है। बेरिलियम में कितने हैं, बोरान में कितने हैं, कार्बन में कितने हैं, आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं अपन, समझ में आ गया। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बताना है कोई भी आटम के, तो किससे बता रहे हैं, उन डॉट से बता रहे हैं, इसको लिविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, अभी बोलेंगे आगे। ये क्या है पूरा लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा बोलो जरा, वन है, हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको Na प्लस लिखूं तो कितने इलेक्ट्रॉन लिखना है बाहर मुझे बोलो, इलेक्ट्रॉन लिखना ही नहीं है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हूं। अब दूसरा एग्जांपल, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हम नहीं बोलेंगे सेवन, और सीएल माइनस में कितने रहेंगे देखो, ये डाल रहा हूं देखो ध्यान से देखो, हो गया। अब मुझे बोलो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, एन माइनस थ्री को कितने इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, ये कितने तीन और लिया ना, नेक्स्ट एग्जांपल फास्फोरस, इसमें कितने आउटर मोस्ट शेल में होगा, पी माइनस फाइव डाल रहा हूं, कितने इलेक्ट्रॉन डालूंगा टेन। अब मुझे आप क्या वो होगा प्लस थ्री आसान है वो होगा, पहले मैं डालना सिखा रहा हूं। अब मुझे आप यहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, ये कॉन्सेप्ट क्या मालूम है, इसमें फाइव इलेक्ट्रॉन्स है तो नाइट्रोजन थ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके ऑक्टेट हो गया। अब ये फास्फोरस में आउटर मोस्ट में कितने फाइव है, लेकिन ले लिया कितने ऑक्टेट हुआ क्या देखो, नहीं हुआ, तो ये क्या बन गया इलेक्ट्रॉन रिच आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन रिच आयन। हाँ देखो बेटा, सल्फर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिक्स, अगर एस माइनस सिक्स माइनस टू डाल दो, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्टेट हो गया। कार्बन आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, फोर, अगर सी माइनस फोर बनाया तो कितने रहेंगे एट, हो गया बेटा। ये इलेक्ट्रॉन रिच रहता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट भी रहता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बोलते ऑक्टेट होने के बाद भी, बोलते केमिकल बॉन्डिंग होने के बाद भी उसको नहीं मिलते जितने इलेक्ट्रॉन होना है उतने। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने होना इसको,
सिक्स होना ना, लेकिन क्या करा मालूम है, बी माइनस टू बनाया। अब बोलो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट हुआ या नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, कोई डाउट लिख लो।